रात के 11:30 होने को जा रहा है। बिल्कुल ग्राउंड पे उतर चुके हैं दो यहाँ पे। सही यार, पानी मिले, पानी भर लें यहाँ पे, पानी भर लेते हैं भाई जी। हाँ ऊपर मिले ना मिले सारा जंगल लग रहा है ऊपर, आग भी लगी हुई है। हाँ बढ़िया जगह मिल गई है, ये जगह सही लग रही मुझे, है ना, मस्त जगह है। चढ़ाई में काफ़ी गर्मी हो गई है ना। हाँ भाई, लेकिन मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। लोकेशन बहुत अच्छी है, प्यारी है, और स्वागत है आप सभी का एक और हमारी कैंपिंग वीडियो में। तो आज हम निकले हैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत जंगलों में भाई जी के साथ। भाई जी हैं पंकज कैंपिंग, है ना। हाँ तो ये हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से, और मैं पहुंचा हूं अभी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। तो और हम जहां निकले हैं, मतलब इतनी प्यारी लोकेशन है ना, मतलब मज़ा आ गया, सच बता रहा हूं। चारों तरफ बिल्कुल शांति, बिंदास बोल। तो पानी हमने रास्ते से ले लिया था, अभी यहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि थकान काफ़ी हो गई है चढ़ाई में, और उसके बाद लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं, है ना भाई जी। हाँ भाई, और उसके बाद जो है आज जो कैंपिंग होने वाली है ना, बिल्कुल हट के भाई जी का जो एक्सपीरियंस है, इनसे कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा। एनीवे तो लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं थोड़ी देर बाद। तो जिस लोकेशन पर हैं अभी, आपको 360 डिग्री पूरा घुमा करके दिखा देते हैं। कुछ इस तरह का है चारों तरफ का नज़ारा, मतलब जंगल ही जंगल जिसे कह सकते हैं। सोचा आराम करते करते थोड़ा बहुत कुछ नया टेस्ट ले लिया जाए। हाँ, चीड़ के फलों से ये निकला हुआ है, कह सकते हैं एक तरह से कि चीड़ का ही फल है ना। हाँ काफ़ी टेस्टी है, तो बचपन की याद दिला रहा है। अक्सर हम जब स्कूल जाते थे तो रास्ते में खूब खाया करते थे, तो आज यहाँ पर खाने को मिल रहा है, फिर से मौका मिला है तो लपेट लो। लपेट लो, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। कोई भूसला भी निकल जा रहा है। वन टू थ्री। ओ तेरी, ये तो नीचे फेंक दिया भाई ने। ये क्या था। वन टू थ्री। Yeah.
जय बजरंगली टूट गया। भाई जी का शॉट फेल। अब अपना देखते हैं। टूट गया। बनाए चूल्हा यहाँ पे बना ठीक है, साफ कर लेते हैं ताकि आग ना लगे, है ना। हाँ इस तरह से अभी एक भाई ने हमें और ज्वाइन कर लिया है। ये भाई जी भी भाई के गांव से ही है। भाई नाम क्या है आपका? बंटी भाई जी। अब तो मज़ा ही आ गया भाई, तीन लोगों में कतई। और भाई जी लोग कर रहे हैं लाइफ की तैयारी, ठीक है ना, बढ़िया। तो अभी जो हमारे साथ तीसरे भाई साहब आ रखे हैं बंटी भाई जी, वो लेके आए हैं कोल्ड ड्रिंक और चिप्स। तो अब पहले लेंगे इसका मज़ा और उसके बाद कुछ बनाएंगे स्पेशल, है ना भाई जी। हाँ तो आज क्या बनेगा फिर? पनीर बनेगा भाई। तो भाई जी लोगों ने तैयारी कर रखी है मटर पनीर की फाइनली, जिसके लिए जो है प्याज कट चुकी है, ये देखो भाई फर्स्ट क्लास। तो अब मस्त टमाटर काटते हैं, है ना। हाँ हाँ भाई पनीर अपना कट चुका है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और यहाँ साथ में भाई जी ने भी चॉपिंग कर दी है और सारा सामान हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। मटर हमने इसमें डाल दिया, ये देखो भाई।
मटर ऑलरेडी, और जो भी हमारे पास प्लास्टिक है, जो भी रैपर्स हैं, हम साइड में ना फेंक करके इसको आग में फेंक देते हैं, ताकि जो है नेचर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और जो है साफ स्वच्छता बनी रहे। तेल पड़ चुका है इसमें, बढ़िया सरसों का कच्ची धानी ऑयल पड़ा है इसमें, है ना? हाँ। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई जी। एक चीज बताऊं आपको, जैसे हमने प्याज काटा ना, प्याज काट कर जो ये छिलके है ना, ये छिलके अगर हम आग में डाल देना तो नज़दीक आसपास क्या है कि जो जैसे सांप होते हैं ना या जंगली जानवर वगैरह वगैरह, ये चीज़ नहीं आता है। अच्छा। एक फ़ायदा है इसका। तो भाई इसमें अभी डालते हैं प्याज। ओके, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों अभी प्याज पकने के बाद डालते हैं इसमें टमाटर। ओके, क्या बात है, ये आग लगा दो फिर से। अरे क्या बात है, अरे भाई लग चुकी है, लग चुकी है। अरे आराम से क्योंकि हमारा जो बर्तन है वो थोड़ा थोड़ा इसमें नमक डाल देंगे। हाँ ये बात, तजुर्बा है, ऐसी बात नहीं। क्या बात है, ये जो खाना बनता है मित्रों जंगल में, कुछ एक अलग ही लेवल का स्वाद देता है, टेस्ट देता है, आप अनुमान लगाइए। ये तो अभी डालते हैं इसमें मसाला। ये क्या डाल रहे हैं आप? मसाला, मिक्स मसाले सारे घर के। अच्छा, मिक्स मसाले हैं। हाँ, बढ़िया टेस्ट आएगा भाई इसमें। क्या बात है भाई, पहाड़ी मसालों के साथ यदि खाना बन जाए क्या ही बोलूं दोस्तों। क्या बात है, अल्लाह ये मसाला नीचे से थोड़ा पानी डालना पड़ेगा ना। काफ़ी अच्छा हो गया ना अभी। अच्छा हो गया, आसमान खुल गया है। खुल गया है अभी, एक पल तो ऐसा लग रहा था कि तगड़ी बारिश होगी। बढ़िया से पक गई है, बिल्कुल पक गई मटर। तो अभी पनीर डालते हैं। क्या बात है, हाय 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 हाय, मुँह में जो है पानी आ रहा है। तो भाई जी ये हो चुका हमारा पनीर तैयार, रख दिया है 100 कोस दूर। और इसके ऊपर से ये रखोगे? हाँ ये रख देते हैं। तो इसके नीचे से साफ कर लेते हैं। साफ ही है वैसे, वो देख लो एक बार उल्टा करके। हाँ ऐसे रख दो, थोड़ा आटा बचाना पड़ेगा, है ना? हाँ थोड़ा बहुत यार। और कुछ ही देर में भाई जी ने आटा कूद करके तैयार कर दिया, तो अब सबसे बड़ा टास्क रहेगा हमारा रोटी बनाने का। तो भाई जी रोटी बनाने का कुछ पुख्ता इंतजाम है? इंतजाम? हाँ इंतजाम तो हाथ में ही करना पड़ेगा आज। तो आपने बोला आज कमाल दिखाऊंगा, आज हाथ की बनाई हुई रोटी खिलाऊंगा। अच्छा, तो इसलिए बेलन चकला नहीं लेके आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, तो हम हाथ में बनाएंगे फिर रोटी, ठीक है? मोटी मोटी या पतली पतली चलेगी? जैसे आप बनाना चाहोगे। चलो एक रोटी बना के पहले ट्राई करते हैं ना। हाँ ये बात, वाह एकदम गोल आकार, देख सकते हो आपकी तगड़ी रोटी बनाई है यार हाथ में ही। ऐसे तो यार चक बेलन से भी नहीं होता है। सही बंदी। हाँ सही बंदी भाई।
तो अपनी सारी रोटियां जो है बन करके तैयार हो चुकी हैं और पंकज भाई अब खाना परोसने लग गए हैं, क्योंकि अभी भाई जबरदस्त, क्या बात है क्या बात है। भाई साहब ने एक ही बार में बराबर इक्वल इक्वल कर दिया है। थोड़ा पहले यार इधर डाल दो यार, है ना, थोड़ा एक टुकड़ा जो है। तो ये दोस्तों रख देते हैं साइड में। बताओ कैसा हो रहा है टेस्ट, आप बताओ, मैंने तो बनाया है। ऐसा थोड़ी सा बनाने में ही पता चल जाता है क्या कैसा हो रहा है। वाह भाई, तो कहना ही क्या दोस्तों, ऐसा है ना कि मिलजुल करके अगर काम किया जाए तो आनंद ही कुछ और आता है। और भोजन करने के बाद देखो बिल्कुल ग्राउंड पे उतर चुके हैं, दो यहाँ पे बर्तन वॉश किए जा रहे हैं। और ये थोड़ा बहुत हम आपको आउट साइड का व्यू दिखा देते हैं, ये हमारा टेंट, क्या खूबसूरत सा, और हमारी बॉनफायर, ये भाई जी, वो भाई जी, और चारों तरफ यदि नज़ारा दिखाएं तो रात को आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। ये देखिए भाई, और उधर बहुत दूर है वो गांव, गांव की लाइट भी दिख रही है। ये देखो भाई क्या ही बोलें, तो कुछ इस तरह का नज़ारा है। काम फिनिश, काफ़ी दूर आए हैं हम, बाई रोड से भी लगभग कहें तो 1-2 किलोमीटर तो ऊपर है ना, ये 2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर करीबन ऊपर है। हाँ, और थोड़ा आइट साइड का पंकज भाई मुआयना कर रहे हैं फिर, हैं है ना। हाँ, देख रहे हो कुछ आ तो नहीं रहा है, देख रहा हूँ, टॉर्च मार रहा हूँ इधर उधर, कोई आ तो नहीं रहा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वैसे जंगल है पूरी तरह, पर लग रहा नीचे से कोई चलो भाई सोने को सो जाते हैं ना। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं मॉर्निंग में, बाय बाय। टाइम हो चुका है भगवान कसम, रात के 11:30 होने को जा रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और यहाँ से सब लोग हैं गायब। तो भाई ओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह उठने के बाद अभी सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं। दूध फट गया यार तब से, दूध फट गया। कॉफी बना रहे भाई, ओ तेरी, ये कह रहे हैं दूध फट गया है। और सुबह उठने के बाद लोगों ने बॉनफायर कर दिए, अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लोकेशन है। टाइम से निकलते हैं घर की ओर, तो कुछ इस तरह से रही हमारी नाइट कैंपिंग, बहुत मज़ा आया भाई जी लोगों के साथ। और फिर मिलेंगे देवभूमि उत्तराखंड लेकिन खूबसूरत जंगलों से एक और नई कैंपिंग वीडियो के साथ। आई होप गाइस कल रात की जो कैंपिंग है आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी मुलाकात होगी फिर एक नई कैंपिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।